जी सुनते हो? अल्लाह खैर करे, आज मेरी बीवी के मुंह से फूल कैसे झड़ रहे हैं। कुछ नहीं, बस आपसे एक इजाजत लेनी थी। अरे, पहले कभी किसी बात से मना किया है तुमको? रानी ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, अहमद साहब एक नई फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, तो तुम फिल्म देखना चाहती हो? अरे नहीं, तो फिर क्या बात है? अहमद साहब जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसके लिए उनको एक खूबसूरत हीरोइन की तलाश है। अच्छा, तो तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस फिल्म में एक्टिंग करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अच्छे घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती। बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। तो क्या हुआ, आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मुझे एक हार लेके दे सके। अहमद साहब एक फिल्म का 10 लाख रुपया दे रहे हैं, उससे तो मैं 2-3 हार ले सकती हूँ। जो भी हो, मैं तुम्हें इस बेहुदा काम की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। मैं खेतों को पानी लगाने जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। खैर से जाएं। मुझे स्टूडियो तक जाना है, कितना किराया लोगे? हाय 200 रुपये लूंगा मैडम। हाय, इतने ज्यादा? यहाँ पास ही तो जाना है। अगर इतना ही नजदीक है तो आप चलकर क्यों नहीं चली जाती? ज्यादा बातें ना करो, दे दूंगी 200 तुम्हें। चलो अब। ओके मैडम। तुम सब लोग निकम्मे हो, अब तक एक हीरो नहीं मिल पाई तुम लोगों को। क्या यहाँ फजूल बैठने के पैसे देता हूँ तुम लोगों को? निकम्मो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे वाह, मिल गई मेरी फिल्म की हीरोइन। मुझे ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। अरे बाहर क्यों खड़ी हैं आप? अंदर तो आए। क्या वाकई आप मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएंगे? इतना खूबसूरत चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप ही बनेंगी मेरी फिल्म की हीरोइन। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर मगर क्या? मैं यहाँ अपने शोहर को बताए बगैर आई हूँ। उनको पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। बस इतने से बात, आप फिक्र ना करें। मैं जब आपके शोहर को 5 लाख का चेक एडवांस में दूंगा तो वो मना नहीं कर पाएगा। 5 लाख का चेक? हाँ, 5 लाख का चेक। कल अपने शोहर को मेरे ऑफिस भेजना, मैं मना लूंगा उसे। मैं कल जरूर भेजूंगी, अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है, अजमल घर आ गए होंगे। जरा तेज चलाओ भैया। तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे गई वहां? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो ही किया। तुम्हें अपनी इस हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं? नहीं तो, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है इस फिल्म ने। आप एक बार वहां जाकर तो देखें, अगर आपका दिल ना माना तो मना कर दीजिएगा। क्या करूं मैं तुम्हारा? ठीक है, मैं जाऊंगा वहां। मुझे अहमद साहब से मिलना है। अरे जाओ जाओ, वो हर ऐरे गैरे से नहीं मिला करते। उन्होंने ही मुझे बुलाया है, उनसे पूछो तो सही। अपना नाम बताओ तरा। मैं अजमल हूँ, रानी का शोहर। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? वो तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने तो मौका ही नहीं दिया। आप सीधा उनके रूम में चले जाएं। अच्छा, तो आप है रानी के हस्बैंड? जी बिल्कुल, फरमाइए क्या कहना था आपने? बात तो बहुत सिंपल है, मैं आपकी वाइफ को अपनी नई फिल्म की हीरोइन बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो क्या ख्याल है आपका? मैं यहाँ सिर्फ रानी की जिद की वजह से आया हूँ। मेरा जमीर मुझे इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता, मेरी तरफ से साफ इनकार है। आप मुझे अच्छे घर के लगते हैं, रानी को उकसाना छोड़ दें। और उम्मीद करता हूँ कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज। इतनी बड़ी रकम को कोई कैसे टुकड़ा सकता है भला? ठीक है, मैं इस डील की रकम को डबल कर रहा हूँ। मैं इस रोल के लिए अब आपकी वाइफ को 20 लाख रुपए दूंगा। इतने में रानी वहां पहुंच जाती है और ये सब सुन लेती है। अरे 20 लाख रुपए?
मुझे मंजूर है। इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे अगर ये रिश्ता भी तोड़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगी। ये हुई ना बात, तो डील पक्की। और मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकता। फिल्म सिनेमा में लग जाती है। रानी अहमद साहब के साथ फिल्म देखने जाती है। रानी जी की फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। फिल्म में रानी जी के काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। रानी, तुम्हें मालूम है मुझे यूं बनना संवरना अच्छा नहीं लगता। आप बस खामोश रहें। अब आप एक हीरोइन के हस्बैंड हैं। अब आप इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे वरना मेरी सोसाइटी में नाक कट जाएगी। आप ये वाला ड्रेस ट्राई करें। तुम बस पैक करवा लो, मैं घर जाके ट्राई कर लूंगा। चलें ठीक है। आप यहीं रुकें, आगे सिर्फ मैं जाऊंगी। आपकी वजह से मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। सबसे पहले मेरी फिल्म को इतना प्यार देने का शुक्रिया। ये सब आप लोगों के प्यार और मेरी मेहनत से मुमकिन हुआ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगली एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। Freaky Fukray.